ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। हर बार आपका यहाँ पर ये 6 मार्क्स का आता है ऐसा क्वेश्चन। लास्ट टाइम जो 2020 था उसके सैंपल पेपर में भी ये आपका क्वेश्चन था इस टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज यूज होगी और फिर इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन हमें काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया फिर तो बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे यहाँ पर ये अपस्ट्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है, तभी ये वर्ड्स आपको समझ आएंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात हो रही है यहाँ पर एक बोट की। आपके पास एक बोट है, अब जो बोट है तो बोट चलती होगी और जब बोट चलती होगी तो बोट की कोई ना कोई स्पीड भी होगी, ये आपको समझ आया। तो मैंने यहां पर सबसे पहले माना कि मेरे पास एक बोट है और वो बोट जो है रुके हुए पानी में। रुके हुए पानी का मतलब होता है स्टिल वाटर, जो कि हमें इस क्वेश्चन में भी यहां पर जरूरत है। मैंने ये लाइट करा, मेरे पास एक बोट है। अब बोट है तो वो चलती भी होगी और जब चलती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होती होगी। तो इसका मतलब मेरे पास बोट है, बोट की जो स्पीड है, स्पीड जो स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब पानी ठहरा हुआ है, पानी चल नहीं रहा है, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, ये आपको समझ आया। तो बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में, मैंने लाइट करा यहां पर आपके सामने x है, ये आपको समझ आया। कोई भी नंबर आपके सामने x हो सकता है। अब आपके सामने x बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। उसके बाद यहां लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की जो धारा होती है, जो पानी का बहाव होता है उसकी धारा, वो स्ट्रीम होता है यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात सोचिए, मैं एक्स से भी अगर यहां पर मान लिया, मैंने ये ले लिया 5, मैंने माना कि मेरी जो बोट की स्पीड है, स्पीड इन स्टिल वाटर, वो रुके हुए पानी में यहां पर 5 है, ये आपको समझ आया। तो सबसे पहले आता है ये कंडीशन स्टिल वाटर में था। अगर मैं कंडीशन अपनी स्ट्रीम में ले लूं, कंडीशन अपनी स्ट्रीम में ले लूं, स्ट्रीम का मतलब है पानी की धारा, पानी भी बह रहा है और मेरी बोट भी चल रही है। एक बार और, सबसे पहले स्टिल वाटर का मतलब है पानी रुका हुआ है। यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे समझ आ गया कि पानी की जो बोट है, बोट की स्पीड रुके हुए पानी में कुछ भी हो सकती है। मैंने 5 लाइट करा है, मैथमेटिक्स एक्स लाइट करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है यहां पर स्ट्रीम। बहुत ध्यान से समझ, आपको बहुत ब्रीफली समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा, बहुत डीपली समझाऊंगा, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा पूरा। स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी भी बह रहा है। अब आपके सामने पानी भी बह रहा है और बोट भी चल रही है, तो दो कंडीशन आता है कि पानी मान लीजिए आपके सामने इस डायरेक्शन में बह रहा है तो बोट की दो कंडीशन है, बोट भी इधर जा रही है या बोट उसके अपोजिट जा रही है। मतलब पानी मेरा इस डायरेक्शन में बह रहा है, यहां पे इस डायरेक्शन में, तो मेरे सामने दो कंडीशन है कि वो जो यहां पर बोट है वो इधर जा रही है या फिर पानी की डायरेक्शन में ही जा रही है। तो कंडीशन आती है कि अगर मेरी बोट जो है वो पानी की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जिधर पानी उधर मेरी बोट, तो आपके सामने उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट या स्पीड जो मेरी बोट है इज गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मेरी जो बोट है वो यहां पर स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही बह रही है। और उसके बाद यहां पर आता है बोट जो था वो पानी की डायरेक्शन में चली गई, तो पानी की डायरेक्शन में जाने को मैंने डाउनस्ट्रीम कहा। कंडीशन अपोजिट हो सकती है कि मेरा पानी तो इस तरफ जा रहा है यहां पर इस डायरेक्शन में, लेकिन वो जो बोट है वो यहां इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर बोट जो है वो पानी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसको हम लोग यहां पर अपस्ट्रीम कहते हैं, जो कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों आप पे इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। एक बार और समझाऊंगा, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ आपका पानी बह रहा है उसी तरफ आपकी बोट चल रही है, उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है। और अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो अपस्ट्रीम, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो डाउनस्ट्रीम, ये आपको समझ आया। अब बात करते हैं, देखिए जैसे
अब आपका जो बोट है वो स्टिल वाटर में मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रुके हुए पानी में मेरा बोट का स्पीड है, मतलब बोट की जो रियल स्पीड है वो 5 किलोमीटर है, पानी जब बिल्कुल रुका हुआ होगा, पानी अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो बोट की मेरे को रियल स्पीड पता चलती है 5 किलोमीटर, मैंने लाइट करा समझाने के लिए। और यहां पर एक कंडीशन और माने, क्योंकि मैं यहां पर स्टिल वाटर से स्ट्रीम में आ गया हूं जहां पर मेरा पानी भी बह रहा है, तो मैंने लाइट करा जो पानी के बहाव की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आर है, पानी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन कर रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहां पर अब ध्यान से देखिए, दो कंडीशन थी, एक डाउन स्ट्रीम और यहां पर एक अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब था पानी की डायरेक्शन में जाना, पानी भी इधर जा रहा है आप भी इधर जा रहे हो। थोड़ा सा सोचो, पानी आपको अगर देखो, जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हो और इस तरफ पानी जा रहा है, तो पानी आपको 2 किलोमीटर रफ्तार की स्पीड से ले जा रहा है। अगर आप बिल्कुल खड़े हो पानी के ऊपर, आप डूब नहीं रहे हो, पानी के ऊपर तैर रहे हो, तो पानी आपको 2 किलोमीटर की रफ्तार से आगे की तरफ ले जा रहा है, और बोट की जो रियल स्पीड है वो यहां पर 5 किलोमीटर है। तो अगर आप इस पानी के ऊपर बिल्कुल खड़े हुए हैं और पानी आपको 2 किलोमीटर की रफ्तार से आगे ले जा रहा है और बोट की रियल स्पीड 5 है, मतलब पानी 2 किलोमीटर की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और बोट भी आपका 5 किलोमीटर की रफ्तार डायरेक्शन में की स्पीड से इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, मतलब पानी 2 किलोमीटर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में और बोट भी स्ट्रीम वाटर में 5 किलोमीटर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप नेट स्पीड निकालोगे, भाई 2 की स्पीड से पानी आपको धकेल रहा है और 5 की स्पीड आप अपनी लगा रहे हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप भी इस तरफ जा रहे हो, पानी भी इस तरफ जा रहा है, तो आप और तेज हो जाओगे। जैसे देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप इस तरफ जा रहे हैं, हवा जो होती है वाइंड वो भी आपकी इस तरफ फ्लो हो रही है, बह रही है, जो भी होती है, तो आप और तेज चलने लगते हैं। तो उसी तरीके से बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और पानी भी आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब बोट की स्पीड और तेज हो जाएगी। तो बोट की जो नेट स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 5 + 2, मतलब अब जो बोट है वो आपका 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड से डाउन स्ट्रीम फ्लो होगा। एक बार और, बोट की रियल स्पीड 5 किलोमीटर पर आर थी और जो पानी है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आर थी। अब बोट 5 की स्पीड से अपनी पावर लगाते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं और पानी ने क्या करा, उसी बोट को 2 किलोमीटर की स्पीड से और आगे की तरफ भेजा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बोट की स्पीड और तेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में धकेल रहे हैं बोट को, बोट का जो इंजन है वो भी उसी डायरेक्शन में बोट को ले जा रहा है और पानी भी उसी डायरेक्शन में उसको ले जा रहा है। तो बोट की स्पीड और तेज हो जाएगी, वो कितनी तेज हो जाएगी, वो 5 + 2, अब जो बोट है वो आपका 7 किलोमीटर की स्पीड से आगे जाएगा। ये आपको समझ आया? जबकि अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में आपका बोट इधर जा रहा है 5 की स्पीड से, लेकिन पानी उसको अपोजिट 2 की स्पीड से पीछे की तरफ भेज रहा है, मतलब आप 5 की स्पीड से इधर जाना चाहते हैं लेकिन वाटर आपको 2 की स्पीड से वापस पीछे की तरफ भेज रहा है। तो जब आप यहां पे नेट निकालेंगे, नेट स्पीड निकालेंगे, जैसे नेट फोर्स होता है वैसे नेट स्पीड निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा कि 5 - 2, 3, क्योंकि 5 की स्पीड से आप जा रहे हो, 2 की स्पीड से वो आपको पीछे भेज रहा है, तो आपकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो 5 - 2। ये आपको समझ आया? और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक छोटी सी बात, यहां पर जब भी आपका पानी अपस्ट्रीम बहता है, मतलब आप अपस्ट्रीम वाली डायरेक्शन में है, अपस्ट्रीम का मतलब आप इधर जा रहे हैं, पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बोट की स्पीड तेज होगी, ऐसी कंडीशन में हमेशा बोट की स्पीड तेज होगी। क्योंकि अगर बोट की स्पीड तेज नहीं है, आपके सामने मान लीजिए बोट की स्पीड धीरे है पानी की स्पीड से, बोट 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, पानी 3 किलोमीटर की रफ्तार से इधर भेज रहा है, तो बोट 1 लगा रहा है और ये 3 लगा रहा है, मतलब ये 2 किलोमीटर की रफ्तार से आपको पीछे भेजता रहेगा। एक जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप 1 किलोमीटर की स्पीड से इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और वाटर जो है वो 3 किलोमीटर की डायरेक्शन से आपको इस तरफ भेज रहा है, 3 किलोमीटर स्पीड से आपको इस तरफ भेज रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप 1 लगा रहे हैं, वाटर 3 लगा रहा है,
नेट कंडीशन जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 2 होगा, और ज्यादा किसका है, ज्यादा वाटर का है, तो आप 2 की स्पीड से पीछे जाने लगेंगे। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हमेशा बोट की स्पीड तेज होती है, क्योंकि जब बोट तेज होगा तभी बोट क्या करेगा, पानी की स्पीड को न्यूट्रलाइज करके आगे की तरफ चलता चला जाएगा। ये आपको समझ आया? इसे मान लीजिए बोट 4 होगा तो वाटर या तो 4 से कम हो, बिल्कुल कम हो, 4 से थोड़ा सा भी कम हो तब भी चलेगा, क्योंकि 4 भी होगा अगर वाटर तो फिर बोट भी 4 लगा रहा है, ये भी 4 लगा रहा है, दोनों एक ही जगह रुके रहेंगे वो चलेंगे ही नहीं। समझ आया आपको? तो बोट की स्पीड ऐसी कंडीशन में हमेशा तेज होती है, क्योंकि जब बोट तेज होगा पानी धीरे होगा तभी बोट आगे की तरफ जा पाएगा, वरना पानी उसको पीछे धकेल लेगा, जाना उसको उधर था। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो यहां पर ये क्वेश्चन का बेसिक था। अब हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके आगे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए बोट गोज 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब हमारा एक बोट है वो 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में गया, उसने 64 किलोमीटर की डिस्टेंस अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में कवर करी, और 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 72 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम की डायरेक्शन में कवर करा। मतलब वो 64 किलोमीटर पानी की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, पानी की जो स्पीड की डायरेक्शन है उससे अपोजिट गया, और 72 किलोमीटर पानी की स्पीड की डायरेक्शन में गया। ये आपको समझ आया? और ये दोनों काम, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों काम 14 आवर्स में हुआ है। इट गोज 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 18 आवर्स। और फिर से वो बोट जो है वो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब फिर से उसने 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम की तरफ कवर करी है, और 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जो 96 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो उसने डाउनस्ट्रीम में कवर करी है। डाउनस्ट्रीम पानी की स्पीड की डायरेक्शन, अपस्ट्रीम पानी की स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों काम 80 किलोमीटर और 96 किलोमीटर 18 आवर्स में हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बताइए रुके हुए पानी में पानी की स्पीड क्या होगी, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और पानी की जो धारा है, पानी का जो बहाव है वो भी आपका क्या होगा। मतलब यहां पर आपको दो चीजें निकालनी है कि बोट जो है, बोट की रियल स्पीड, पानी रुका हुआ है तो हमें बोट की रियल पता चल जाए, क्योंकि पानी चल ही नहीं रहा, बोट चलते चला जा रहा है, तो बोट की रियल स्पीड आ गई कि बोट कितनी तेज चल रहा है, तो वो निकालना है रुके हुए पानी में। रुके हुए पानी मतलब वो स्पीड की, बोट की रियल स्पीड पूछना चाहता है। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और पानी भी कितनी स्पीड से बह रहा है वो भी निकालना है। मतलब दो चीजें निकालनी है, पहली बोट की स्पीड कितनी है, दूसरी पानी की स्पीड कितनी है, ये चीजें निकालनी है। अब मैथमेटिक्स में जो चीज हमें नहीं पता हम लोग उसका नाम देते हैं। तो लेट से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड है वो आपकी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये चीज मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये भी नहीं पता, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। मैंने ये चीज माना कि मेरा बोट जो है वो स्टिल वाटर में, बोट की जो रियल स्पीड है रुके हुए पानी में वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर आप सबसे पहले काम करेंगे अपस्ट्रीम की तरफ और डाउनस्ट्रीम की तरफ। तो ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको 542 समझाया था। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के स्पीड की डायरेक्शन में ही, जो पानी के फ्लो है उसी डायरेक्शन में मेरा जो बोट है वो भी फ्लो हो रहा है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम समझ है आपको? तो अगर मेरा बोट एक्स की स्पीड से आगे जा रहा है, पानी वाई की स्पीड से आगे जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्स और वाई की स्पीड से जा रहे हैं। मतलब जो दोनों का नेट स्पीड होगा वो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा 7, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। और वैसे ही अपस्ट्रीम में तो स्पीड ऑफ बोट
जो बोट है उसकी स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में हो जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बोट की स्पीड ज्यादा होती है स्ट्रीम की स्पीड से, तो बोट की एक्स है, स्ट्रीम की वाई है। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, क्योंकि आपको आप इधर जा रहे हैं वो उधर जा रहा है, तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी पानी की स्पीड जितना, तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या करिए, एक्स में से बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस वाई आपकी बोट की स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम वाली उसमें डायरेक्शन में। ये आपको समझ आया। अब यहां पर एक साइंस का छोटा सा लॉ, छोटा सा फॉर्मूला, जो स्पीड होता है वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये मेरे को क्यों आया, क्योंकि ध्यान से देखिए ना, यहां पर टाइम की बात हो रही है, 14R क्या है, 14R टाइम बता रहा है, 64 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, ये x किलोमीटर पर आर क्या है, स्पीड बता रहा है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है, तो वी नो डेट जो आपके सामने स्पीड होता है वो स्पीड यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को उधर भेजो, स्पीड को इधर भेजो, तो आपके सामने जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। पूरा लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ए बोट गोज 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 14 आवर्स, मतलब 14 आवर्स के समय में ही वो इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम चली गई और इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चली गई, मतलब 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब उसके बहने की अपोजिट डायरेक्शन, आपको समझ आ गया, ओके। तो 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टाइम देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 14 आवर्स में आपका दोनों काम हुआ है, वो 14 आवर्स में अपस्ट्रीम भी गया है और वो 14 आवर्स में ही डाउनस्ट्रीम वाला भी आया है। तो 64 किलोमीटर डिस्टेंस को बता रहा है और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की स्ट्रीम एक्स माइनस वाई है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये हो जाएगा 64 अपॉन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का एक्स माइनस वाई, और इसी में ही, क्योंकि डाउनस्ट्रीम भी तो इसी में आया है, तो 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब 72 अपॉन डाउनस्ट्रीम का क्या है, डाउनस्ट्रीम का यहां पर एक्स प्लस वाई है, तो 72 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपको समझ आया। अब ये दोनों के दोनों काम आपके 14 आवर्स में हुए, मतलब इज इक्वल टू 14। आपने क्या लगाया, आपने सबसे पहले ये देखा कि जो ये दोनों काम हुआ है, इस काम को लगने में T1 का समय लगा होगा, इस काम को लगने में T2 टाइम लगा होगा, समझ रहे हैं आप, तो T1 और T2 का सम कितना आएगा, 14 आएगा। भाई ये जो 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, ये 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम आपका T1 समय में हुआ होगा, 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, ये 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आपका T2 समय में हुआ होगा। तो ये T1 और T2 ये दोनों के दोनों काम आपके 14 आवर्स में हुए हैं, मतलब T1 और T2 ये दोनों के दोनों काम आपके 14 आवर्स में हुए हैं। T1 का मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, T2 का मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस 64 और स्पीड अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, T2 में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 72 डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। ये दोनों काम कितने समय में हुआ, 14 समय में, समझ आया आपको। सेम यही कंडीशन से नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ, क्या 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 80 अपॉन अपस्ट्रीम की डायरेक्शन x माइनस वाई प्लस 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 96 अपॉन डाउनस्ट्रीम की क्या है डायरेक्शन, x प्लस वाई, और ये दोनों काम कितने समय में हुआ, ये दोनों काम आपका 18 आवर्स में हुआ, तो इज इक्वल टू 18, क्योंकि ये आपका T1 बता रहा है, ये आपका T2 बता रहा है, T1 और T2 दोनों काम आपका 18 आवर्स में हुआ, T1 के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 80 अपॉन अपस्ट्रीम x माइनस वाई, 96 डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए बता रहा है, तो 96 अपॉन x प्लस वाई। तो ये आपके पास इक्वेशन आई है जो कि रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है,
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, हाँ टू वेरिएबल में है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अपने रिड्यूसिबल इक्वेशन, रिड्यूसिबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उस फॉर्म से करेंगे। तो उसके लिए मैं अब इस पूरे ऊपर को रफ करूंगा क्योंकि मैंने बेसिक आपको समझा दिया, जरूरत हमें बस इसकी है, इस इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू निकाले, तो ये पूरा रफ कर दें। ओके अब देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 64 के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है 72 के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और ये इज इक्वल टू 14। ऐसे ही यहां लिखा है 80 के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है 96 के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और ये इज इक्वल टू 18। अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का एक नाम देंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का एक नाम देंगे, रिड्यूसिबल आपको आता है पहले, वो आपको काफी अच्छे समझना था। ओके तो लेट से हमने क्या करा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का नाम ए दिया एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का नाम यहां पर हमने बी दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 64a प्लस 72b और इज इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा हमारा 80a प्लस 96b और इज इक्वल टू 18। ये भी आपको समझ आया। अब यहां पर इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड आई थिंक बेस्ट रहेगा, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। जैसे हम 64 और 80 को रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम ले लो, तो 64 और 80 का एलसीएम क्या आएगा चेक करते हैं, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 16, 2 से 20, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 10, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 2, 5 का 5, 2 से 1, 5 का 5, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 2 जा 64, 64 5 जा, 64 5 जा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 32, तो 320 आपका SCFR है। काफी लंबा नहीं आ गया, उससे आसान तो आई थिंक हम लोग ये कर सकते हैं 96 और 72, इसे चेक करते हैं क्योंकि देख लेते हैं जो आसान पड़ेगा वो करेंगे। तो 72 और 96 को देखिए, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 9, 2 से 6, 2 से करेंगे 9, 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 9 जा, 32 9 जा, 9 2 जा 18, कैरी 1, 93 जा 27 और एक 28, 288, दोनों अप्रोक्सीमेट है, तो यही कर लेते हैं। फिर ध्यान से आपका जो एलसीएम आया वो एलसीएम 72 का और 96 का, मतलब बी वाले का कितना आ गया 288 था, तो 288 अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए 72 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 288 आ जाए, तो आपका वो है 72 4 जा, क्योंकि देखो ना 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो इसमें इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड में 4 की मल्टीप्लाई करिए, तो 64 4 जा, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और एक 25 ए, ये 288 बी और 14 4 जा 56, नहीं 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, ओके 56। और उसके बाद यहां देखिए 96 को 288 बनाना है, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 3 सही रहेगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करिए, तो 83 जा 24, 83 जा 24, तो 240 ए, 288 बी और 18 तिया 18, 3 जा 54। अब इसको नाम दीजिए फोर्थ फिफ्थ और इसको यहां पर सिक्स्थ, और फिफ्थ और सिक्स्थ को एलिमिनेट करिए, तो एलिमिनेट करने पर ये हो जाएगा 256 ए प्लस 288 बी इज इक्वल टू 56 और ये हो गया 240 ए प्लस 288 बी
और इज इक्वल टू 54। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 256 में से 240 रिड्यूस करो तो 6 बचा 1 बचा 16a इज इक्वल टू 56 में से 54 गेट 2 तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2 8 16, मतलब a आपका 1/8 आ गया। अब a की वैल्यू 1/8 कहीं भी पुट करिए आपका b आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पुट किया तो ये मेरे पास हो जाएगा यहां पे 64a, a का मतलब 1/8 प्लस 72b और ये इज इक्वल टू 14। तो 8 8 जा 64, अब ये प्लस 8 उस तरफ जाके माइनस, तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, तो 72b इज इक्वल टू 6, 6 1 जा 6 6 12 जा 72, तो b की वैल्यू 1/12 आ गई। अब ये a और ये b उठाकर अपने फर्स्ट और सेकंड में पुट करिए। उसके लिए मैं ये क्वेश्चन की ये दो लाइन रफ करूंगा। ये आपका हो गया यहां पे 1/x - y इज इक्वल टू a, a का मतलब 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। वैसे ही 1/x + y इज इक्वल टू b, b का मतलब 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। दोनों को एलिमिनेट करिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y से y कैंसिल, x और x 2x, 8 और 12 20, x tanja 20, मतलब 2 tanja 20, तो x की वैल्यू 10 आ गई। 10 उठा के यहां पुट करिए तो 10 + y = 12, तो आपके पास y = 12 - 10, जिसका मतलब y = 2 आ गया। तो x आपका क्या था, x आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर था, मतलब जो बोट है उसकी स्पीड 10 है, और जो y था y आपका स्ट्रीम की स्पीड था, तो स्ट्रीम आपका 2 है, 2 किलोमीटर पर आर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? ओके।